स्टूडेंट, कैसे हैं आप? पिछले लेक्चर में हमने ट्रांसलेटर की अकसाम के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में हम तीनों अकसाम को डिस्कस करना चाहा, लेकिन वो लेक्चर लंबा हो रहा था, इसलिए हमने सिर्फ कंपाइलर को डिस्कस किया था। आज हम उसकी दूसरी टाइप यानी इंटरप्रेटर और असेंबलर को हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर में इंटरप्रेटर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इंटरप्रेटर जो है वो एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया जो प्रोग्राम होता है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। मशीन कोड में कन्वर्ट करता है तो तभी जो है एग्जीक्यूट होगा। लेकिन इंटरप्रेटर जो है ना वो सिर्फ एक स्टेटमेंट को उठाता है और उसके बाद उसको ट्रांसलेट करता है ऑब्जेक्ट कोड में। उसके बाद अगर उस स्टेटमेंट में एरर आ गया तो वो एग्जीक्यूशन जो है ना वो स्टॉप हो जाती है, और उसी वक्त जो है वो फिर जब तक हम एरर रिमूव नहीं करते तब तक जो है अगले स्टेटमेंट को नहीं उठाता है। देखते हैं इसकी टेक्स्ट की तरफ। इंटरप्रेटर, एंड इंटरप्रेटर इज अ प्रोग्राम। इंटरप्रेटर एक ऐसा प्रोग्राम है दैट कन्वर्ट्स, जो कन्वर्ट करता है वन स्टेटमेंट ऑफ ए प्रोग्राम, एक स्टेटमेंट प्रोग्राम की, इन टू मशीन, मशीन में कन्वर्ट करता है एट वन टाइम यानी एक वक्त में, और ये एक वक्त में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है लेकिन उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट नहीं करता। ठीक है जी, एक स्टेटमेंट को उठाता है। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था कि जब तक एरर आता है उस वक्त अगली स्टेटमेंट को नहीं उठाता है, वही ये लिखा गया टेक्स्ट बुक के बारे में। इट एग्जीक्यूट्स ए स्टेटमेंट, ये एग्जीक्यूट करता है एक स्टेटमेंट को बिफोर ट्रांसलेटिंग, ट्रांसलेट करने से पहले दी नेक्स्ट स्टेटमेंट यानी अगली स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करने से पहले उसको एग्जीक्यूट करता है ऑफ ए प्रोग्राम, प्रोग्राम की इफ देयर इज एन एरर, अगर उस में एरर है जो पहले स्टेटमेंट को उठाया उसने, अगर कहीं एरर आ चुका है तब वो अगली स्टेटमेंट को नहीं उठाएगा। इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट, अगली स्टेटमेंट को नहीं उठाएगा। दी इंटरप्रेटर स्टॉप वर्किंग, और इंटरप्रेटर जो है ना वर्किंग अपनी स्टॉप कर देता है। डिस्प्ले द एरर मैसेज जो है वो डिस्प्ले कर देता है जब तक उसमें एरर जो है वो रिमूव नहीं करते। हम एरर रिमूव करते हैं तो फिर अगली स्टेटमेंट को उठा लेता है। इसका जो इंटरप्रेटर जो है वो किस लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है, ये बेसिक या विजुअल बेसिक वगैरह जो है ना, ये इसके लिए जो है इंटरप्रेटर को इस्तेमाल किया जाता है। तो कंपाइलर में हमने देखा था कि वो एज ए होल प्रोग्राम को जो है ना वो ट्रांसलेट करता है, ऑब्जेक्ट कोड जो है ना क्रिएट करता है, ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है। लेकिन इस इंटरप्रेटर का जो है वर्क उससे डिफरेंट ये है कि ये ऑब्जेक्ट फाइल जो है ना वो क्रिएट नहीं करता, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम नहीं बनाता है। इसका फायदा क्या है जी? एडवांटेज ये है कि फाउंड एरर इमीडिएटली, फौरी तौर पर एरर जो है वो फौरी तौर पर जो है एरर जो हमें बता देता है कि कहां किस लाइन में एरर मौजूद है। लेकिन जो कंपाइलर है वो लाइन नंबर तो बताता है लेकिन ये नहीं बताता कि, क्योंकि एज ए होल निकाल देता है कि एरर जो जो भी है, सिंटैक्स एरर है वो हमें फौरी तौर पर जो है ना वो कंपाइलेशन के दौरान बता देता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? क्योंकि एक स्टेटमेंट को उठाना है फिर उसके बाद अगली स्टेटमेंट को उठाना है अगर कहीं एरर, तो ये स्लोअर है बनिस्बत कंपाइलर के। कंपाइलर जो है ना वो जल्दी से, हमने कंपाइलेशन करनी होती है तो एरर दिखाता है फौरी तौर पर, प्रोग्रामर जो है वो एरर को रिमूव करता है, उसके बाद जो है वो जल्दी से जो है ना वो जितना भी 200 फुगा जितना भी लेंथी प्रोग्राम हो वो जल्दी से कंपाइल हो जाता है और उसका ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट हो जाता है। लेकिन इसके केस में जो है ना वो ऐसा नहीं है। इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये है, डज नॉट प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ये ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम नहीं बनाता, जिस तरह जो अपना कंपाइलर के केस में है कि उसमें जो है ऑब्जेक्ट फाइल यानी ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट कर देता है। अब उस ऑब्जेक्ट फाइल को जो है ना जितनी मर्तबा जो है वो उसको कंपाइल एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इस केस के इंटरप्रेटर के केस में ऐसा नहीं है। तो हर मर्तबा जो है आपको कंपाइलेशन जो है ना वो करनी पड़ती है और उसमें एरर है तो वो जो है ना उसको रिमूव करना पड़ता है, उसका ऑब्जेक्ट फाइल जो है ना वो नहीं बना, इसलिए स्लोअर है।
नेक्स्ट तीसरी जो टाइप है ट्रांसलेटर की वो हमने पढ़ी थी असेंबलर है। असेंबलर ये भी एक तरह का कंपाइलर है, एक तरह का ट्रांसलेटर, सॉरी एक तरह का ट्रांसलेटर है। ये ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन कोड में, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज को कहा गया है, लेकिन इसकी जो कोड इस्तेमाल किया जाता है वो उसके जो वर्ड्स होते हैं वो वन स्टेप हायर देन द मशीन कोड होते हैं। और इंग्लिश लाइक वर्डिंग इसमें भी इस्तेमाल होती है, यानी जैसे एडिशन के लिए एड इस्तेमाल किया जाता है, यानी इनके जो कोड होते हैं उनको हम निमोनिक्स कहते हैं। ये पिछले हम लेक्चर में पढ़ा था, तो उन निमोनिक्स को जो है उन कोड्स को उन स्मॉल वर्ड्स को जो है ना ट्रांसलेट करना पड़ता है, तब कंप्यूटर जो है उसको समझता है, ट्रांसलेट करता है, उसके बाद उसका रिजल्ट बना दे देता है। तो असेंबलर जो है वो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को क्रिएट ट्रांसलेट कर देता है। चलते हैं असेंबलर, एन असेंबलर इज अ ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम। ये एक ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम है दैट ट्रांसलेट्स द इंस्ट्रक्शन, जो हिदायत होती है ऑफ असेंबली लैंग्वेज की, जो असेंबली लैंग्वेज में लिखी गई हिदायत होती है, इनटू मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करता है। इस तरीके से आज का जो लेक्चर है वो ख़त्म हुआ जाता है, और नेक्स्ट लेक्चर को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।